जा सकें। इंडिया से एक चैनल है जो चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है उनको मैं भेजूं, तो उसके लिए ये रिकॉर्डिंग जो है वो साथ साथ चलती रहती है, अगर कोई समझे कि ये क्या हो रहा है उसके लिए। सो हम खुदा के शुक्र गुज़ार हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है। आप जानते हैं कि कलाम को समझना जानना और कलाम के मुतल्लिक जब हमें पता चलता है तो ये भी उसकी बड़ी रहमत है कि खुदा हमें ऐसे मौके देता है कि हम आए और उसके कलाम को सीखें और उससे बरकत पाए। हम इन दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि जो दाऊद बादशाह है उसकी जिंदगी के मुतालिक सीखें। आज जिस बात को हम शुरू करेंगे दाऊद की जिंदगी से ही, यह दुनिया में बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। दुनिया में इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो तफसीर है, वो बड़े गलत और भयानक अंदाज में की जाती है। सैमुएल की पहली किताब उसका 18 बाब और उसकी पहली 4 जो आयात है खास तौर पे उनकी, इन दो पैगामात को जो इस हफ्ते और अगले हम देखेंगे, इसमें हम इन चीजों को कवर करेंगे कि दुनिया इसको, मैं दुनिया की बात ये नहीं कर रहा जो खुदा को नहीं मानते, मैं चर्च की बात कर रहा हूं कि उन्होंने किस तरह से इसको तोड़ोड़ मड़ोड़ के अपने लिए हलाकत पैदा कर ली। एक दफा फिर से मैं आपके लिए पढ़े देता हूं, अगर आपके पास किताबें मुकद्दस है तो उसको जरूर खोलिए ताकि आप मेरे साथ रहें। सैमुएल की पहली किताब है, उसका 18वां बाब है और उसकी पहली जो 4 आयात हैं उनमें से, बल्कि पहली 5 मैं पढ़ूंगा, लिखा है, जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने न दिया। और यूनतन और दाऊद ने बहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक, अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अकलमंदी से काम करता था और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नजर में अच्छी थी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो है 1978 के बाद से मिस इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। 1978 के बाद जब एक किताब लिखी गई तो इस हिस्से को दुनिया के लोगों ने जो चर्च के अंदर थे उन्होंने कहा कि ये यूनतन की और दाऊद की रिलेशन की बात है, वो होमोसेक्सुअल थे और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो हैं दुनिया में कलीसिया के अंदर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और इन बातों को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हम कलाम के इस हिस्से में से उन बातों को देखेंगे जिसके लिए कलाम का यह हिस्सा लिखा गया और साथ साथ वो बातें जो दुनिया के लोग चर्च के अंदर कर रहे हैं उनको भी देखेंगे कि वो क्या है और वो किस तरह से गलत है। अगर आप इससे पिछले चैप्टर को जो हमने पिछली दफा कंप्लीट किया था चैप्टर 17, उसमें
दाऊद की और जाति जूलियत की लड़ाई हुई, खुदा ने दाऊद को फतह बख्शी और उसके बाद लास्ट तीन जो वर्सेस हैं उसमें बड़ी अजीब बात जो है वो देखने में आती है, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर 16 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसकी जो लास्ट थ्री वर्सेस हैं उसमें लिखा है कि दाऊद को साउल के पास लाया गया ताकि वो उसके लिए बजाया करे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर 17 में उसकी जंग होती है जूलियस से, वो जीत जाता है, और उसकी लास्ट थ्री वर्सेस में साउल पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो जो एहतियात से पढ़ने वाले लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इससे पिछले चैप्टर में तो अभी दाऊद आया था साउल के पास और वो उसके लिए बजाता था जब उस पे बदरू काबिज हो जाती थी, और वो कैसे इतनी जल्दी भूल गया इस लड़के को और पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। अगर आपने इस सवाल को समझना हो तो 17 चैप्टर के अंदर जो वर्स 25 है इसको अगर आप पढ़े तो आपको समझ लग जाएगी कि साउल ने क्यों इस बात को पूछा कि दाऊद कौन है। हालांकि वो दाऊद से पहले मिल चुका है, दाऊद उसके महल में रह रहा है, दाऊद उसके लिए बजा रहा है, लेकिन वो उसके आम मुलाजमों में से एक मुलाजिम है। अब साउल ने इसलिए पूछा क्योंकि इसी चैप्टर में वर्स 25 के अंदर लिखा है साउल ने ऐलान किया था कि जो कोई शख्स जाति जूलियत को मारेगा उस शख्स के साथ तीन काम किए जाएंगे। पहली बात उसने कहा कि उस शख्स को बादशाह बड़ी दौलत देगा, दूसरी बात उस शख्स के टैक्स फ्री कर दिए जाएंगे, वो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि उसने कहा कि जो शख्स भी जाति जूलियत को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बड़ी बेटी मीरम की शादी करूंगा। इसी वजह से साउल पूछ रहा है कि दाऊद कौन है, क्योंकि अब उसने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो इस लड़के के साथ जोड़ना है, इस लड़के को अपनी बेटी देनी है, इस वजह से अब वो इसके मुतालिक डीपली जानना चाहता है कि ये लड़का है कौन। और जाहिर है जब रिसर्च की गई, छानबीन की गई होगी, तो हमने पिछले पैगामात में देखा था कि दाऊद जो है वो बैतलहम से है, यस्सी का बेटा है, सबसे छोटा है, और इसको घराने में नापसंद किया जाता था क्योंकि वो समझते थे कि ये औलाद जो है शायद मेरी औलाद नहीं है। इस सारी सिचुएशंस को, इन सारी बातों को हमने स्टडी किया था कि क्यों ऐसा था, और इस वजह से। और आखिरी बात उसको साउल को ये बात बताई गई होगी कि जो दाऊद और उसका घराना है इनके अंदर मुआबी खून है, मुआबी खून इनके अंदर पाया जाता है क्योंकि इसकी परदादी रूत थी और रूत मुआबी थी, और इसकी वजह से मुआशरे में या बैतहम में भी इसकी या इसके घराने की बहुत ज्यादा ऑनर नहीं। इसी वजह से आप देखते हैं कि उसी चैप्टर के अंदर जब आगे आप पढ़ते हैं 18 से ऑनवर्ड तो आपको पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो बजाय इसके कि अपनी बेटी मीरम की शादी दाऊद से करवाई जाती करवाता जैसा उसने वादा किया था, उसने दाऊद को मजीद टास्क दिए, और कलाम में लिखा है उसने दाऊद को कहा कि मैं अपनी बेटी तुझे ब्याह दूंगा लेकिन तू और ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ जंगे कर, उन्हें जीत, प्रूव कर इस बात को, तो फिर मैं अपनी बेटी मीरम तुझे ब्याहूंगा। और यही कलाम में लिखा है उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो ये चाहता था कि दाऊद जो है इन जंगों में फिलिस्तीनियों के हाथों मार दिया जाए और मेरी जान छूट जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी मीरम जो है वो दाऊद को ब्याहना नहीं चाहता था।
उसकी सारी बैकग्राउंड की वजह से। बाहर कलाम में लिखा है कि जहां कहीं दाऊद जाता वो फतह हासिल करता और उसको बड़ी फतहमंदी नसीब होती। लेकिन बहरहाल इसी चैप्टर में जो हमने अभी शुरू किया है चैप्टर 18 में उसकी 19 वर्स अगर आप पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि जब वक्त आ गया सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया गया कि अब मीरब की शादी दाऊद के साथ की जाए तो बजाय इसके कि दाऊद के साथ उसकी शादी की जाती उसने उसकी शादी एक और शख्स जिसका नाम जो है मेहुलाती अदरई एल है उसके साथ उसकी शादी कर यानी किसी और शख्स के साथ उस लड़की की शादी कर दी गई, शहजादी की शादी एक और शख्स के साथ कर दी गई। हालांकि दाऊद जो है वो सारे क्राइटेरिया को जो शर्त के तौर पर रखे गए हैं वो उनको फुलफिल कर रहा है। इसके बाद कलाम में लिखा है कि एक तो इस चैप्टर का ये सिनेरियो है 18 चैप्टर में ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। फिर जो ये चैप्टर है 18वां बाब इसमें दो खास बातें और हुई हैं। इस चैप्टर में साउल की और दाऊद की दुश्मनी का आगाज होता है कि साउल दाऊद को जान से मारना चाहता है और इसी चैप्टर में साउल के बेटे जोनाथन जिसका नाम था साउल के बेटे यूनतन की दोस्ती दाऊद के साथ होती है और ऐसी दोस्ती होती है जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, बेमिसाल दोस्ती। और उसके लिए इल्फाज का ऐसा इंतखाब किया गया है, इल्फाज को इस तौर से चुना गया है ताकि बताया जाए कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है, उनकी दोस्ती जो है वो अटूट है, टूट नहीं सकती, उसमें किसी तरह से तड़ेड़ और दड़ाड़ नहीं आ सकती। ये दो चीजें बाप की और दाऊद की दुश्मनी, बेटे की और दाऊद की बेमिसाल दोस्ती, इन दोनों का आगाज भी इसी चैप्टर में यानी चैप्टर 18 के अंदर जो है वो होता है। दुश्मनी क्यों शुरू हुई साउल की और दाऊद की? कलाम में लिखा है जब दाऊद ने जाति जूलियत को कत्ल कर दिया और वो वापस आया तो रवायत ये थी कि जो उस शहर की बेटियां होती, उस शहर की कमारी लड़कियां होती और उसके बाद दूसरी औरतें होती उनके पीछे पीछे, वो आती नाचती हुई और वो दम बजाती हुई और गाती हुई आती और इस फौज को जो जीत के आती उनको वेलकम कहा करती थी। उसके वेलकम कहने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि वो ये कह रही होती कि तुमने हमारी इज्जतों को महफूज किया, क्योंकि अगर दूसरी फौज जंग जीत जाती तो रवायत यह थी कि उनके बादशाह और घराने को मार दिया जाता, नौजवानों को मार दिया जाता, औरतों को मार दिया जाता और कुंवारी लड़कियों को अपनी हिवस का निशान बनाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया जाता। तो इस वजह से जो शहर की बेटियां होती वो आती और खुशी से रिसीव करती फौज को। और कलाम में लिखा है कि जब ये बेटियां आईं और वो गा रही थी तो गाते गाते उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल की। इस फ्रेज में उन्होंने कहा कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा और वो इसको रिपीट करने लगी। वो इतनी खुश है, वो इतनी सेटिस्फाइड है, वो उन्हें लग रहा है कि वो एक बड़े खतरे से बाहर आ गए हैं, वो और उनके घराने महफूज हो गए हैं, वो तो खुदा की मोहब्बत में जो है वो डूबी हुई है जिसने उनकी फौज को फतह बख्शी। और उन्हें बताया गया है कि दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल किया है
उस पलस्ती का सर उतारने के लिए जो 40 दिन से लगातार खुदा की और उसकी फौजों की और उसकी कौम की बेइज्जती कर रहा था। साउल भी हिम्मत नहीं कर रहा था जाने की, और वो गाने लगी, साउल ने हजारों और दाऊद ने लाखों को मारा। और जब वो ये गा रही थी और बार बार रिपीट कर रही थी तो कलाम में लिखा है इस बात ने साउल को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया और साउल जो है वो गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा इन्होंने मेरे लिए फक्त हजारों कहे हैं और दाऊद कल का छोटा सा बच्चा, अगर वो ऐसा हो भी गया है और उसके लिए लाखों कहे हैं। और कलाम में लिखा है अबलीस ने वहां पे मुदाखलत की और अबलीस उसके पास आया और अबलीस ने उसके दिल में डाला और अबलीस ने कहा कि साउल ये तेरे लिए ऐसे कह रहे हैं तो अब बादशाही के सिवा इसको मिलना और क्या बाकी रह गया है, अब तो बादशाही इसको मिल जानी चाहिए। और उसके दिल में इसके लिए बदगुमानी आ गई, उसके दिल में इसके लिए नफरत आ गई और उसने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं दाऊद जो है इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और यहां से साउल की और दाऊद की दुश्मनी का आगाज हो गया। दूसरी तरफ अभी ये हवाला जो मैंने आपके लिए पढ़ा है, यहां पे हमने पढ़ा है कि जोनाथन और दाऊद जो साउल का ही अपना बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा जोनाथन, उसकी और दाऊद की दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती इतनी शानदार और गहरी दोस्ती हुई कि कलाम में ये बातें जो यहां पे लिखी हैं वो उससे आप हैरान हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि कैसी कमाल और खूबसूरत दोस्ती उनकी हो गई। कलाम में अगर आप किताबे मुकद्दस में पढ़ना चाहें तो इमसाल की किताब उसके 18 बाब की 24 आयत अगर आप पढ़ें प्रोवर्ब्स में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि खुदा अपने लोगों को ये कहता है हमारे ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बहनों की तरह भाइयों की तरह रिश्ते में कायम हो जाएं आपके साथ, वो आपके साथ एक रूह हो जाए। फिर खुदा के कलाम में अगर आप पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत पढ़े, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15 वर्स 33 अगर आप उसको पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है कि जो बुरी सोबत है वो अच्छी आदत को बिगाड़ देती है। बुरी सोबत का क्या मतलब है? बुरे लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ दोस्ती करना। तो इसलिए हमने याद रखना है कि दोस्त जो है वो एलिवेटर की तरह है। बाइबल असल में वहां पे क्या कह रही है, दोस्त जो है वो लिफ्ट की तरह है, स्वीडिश में हिस्स जिसे कहते हैं, दोस्त एलिवेटर की तरह है, वो आपको ऊपर लेके जा सकते हैं, वो आपको नीचे लेके आ सकते हैं। इसलिए हमें दोस्ती में बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए और इस बात के लिए बड़े मोहतात रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल खुदा ये चाहता है कि हम दोस्त बनाएं, ऐसे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकें। खुदा खुद भी अकेला नहीं है, वो भी एक यूनियन के अंदर रहता है। उस यूनियन का क्या नाम है? ट्रिनिटी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, वो इकट्ठे जो है वो मूव करते हैं, वो एक है, उनमें से कोई भी जुदा नहीं है। जैसे इंसान एक है, इंसान को खुदा ने बनाया है और इसके अंदर अपना सिग्नेचर क्या रखा है कि हमें भी तीन हिस्सों में बनाया है, हमारा बदन है, जान है, रूह है, और ये तीनों गोया इनकी जो मेडिकल साइंस में इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन आप इनको अलग कर नहीं सकते। अगर आप खून निकाल लें 5-6 बोतलें
जितनी भी होती है इंसान के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते ये बॉयज है। अगर मैं मर जाऊं तो आप कहेंगे ये बॉयज की लाश, आप उनको अलग नहीं कर सकते। ये सिग्नेचर है खुदा का कि वो भी एक ऐसी तस्लीफ जो है, वो ऐसी ट्रिनिटी जो है, इस तरह रहते हैं कि वो एक ही है जिनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल उनका फंक्शन अलग अलग है। इसलिए खुदा चाहता है कि आप की जिंदगी में ऐसे दोस्त हों जिन पे आप इस किस्म का भरोसा कर सके। जो दाऊद है ये बिल्कुल अलग शख्स है सोसाइटी के अंदर, और जो जोनाथन है, योनाथन है, ये सोसाइटी के अंदर बिल्कुल अलग शख्स है। दाऊद जो है वो एक छोटे से नामालूम कस्बे जिसका नाम बैतलहम है उसका रहने वाला है। उसमें एक बड़ा ही हकीर घराना जिसका नाम यस्सी का घराना है उनका बच्चा है, और उनमें ये सबसे छोटा है और सबसे नापसंदीदा है। ये सोशल स्टेटस है डेविड का। और दूसरी तरफ योनाथन है। योनाथन जो है वो प्रिंस है। योनाथन जो है वो पैलेस के अंदर, महल के अंदर रहता है। योनाथन बनी इसराइल के पहले बादशाह का सबसे पहला लड़का है, यानी वो क्राउन प्रिंस है, वो वलीअहद है जिसे उर्दू में आप कहते हैं, कि साउल के बाद इसने बादशाह बनना है। उसका स्टेटस बनी इसराइल में सबसे बड़ा है, क्राउन प्रिंस है। और दाऊद जो है उसका स्टेटस कुछ भी नहीं, ही इज जस्ट नथिंग, आम चरवाहा। ये उन दोनों का आपस में जो है, अगर आप उनका सोशली उनको देखना चाहें तो ये उनकी स्टैंडिंग है, ये उनकी फुटिंग है। लेकिन कलाम में लिखा है कि इन दोनों के इस स्टेटस के बावजूद जो है इनकी दोस्ती, गहरी दोस्ती जो है इनमें पैदा हो गई। क्यों? याद रखें कि दोस्त वो बनते हैं जिनके मुशागल एक तरह से हो, जिनके बातें, जिनकी सोचें एक सी हो, जिनमें कॉमन इंटरेस्ट हो। अगर कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो वो दोस्त नहीं रह सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते, उनकी दोस्ती बढ़ नहीं सकती। और ये जो दोनों शख्स हैं, योनाथन और दाऊद जो है, इनका कॉमन इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा कॉमन इंटरेस्ट इनका क्या है? इनका खुदा पर गैर मुतजलजल ईमान रखने वाले हैं, ये तो अनफॉरशेकन लव फॉर गॉड, खुदा के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले, खुदा के लिए कुछ भी कर जाने वाले, खुदा के नाम पे अपनी जानों का फिदिया दे देने वाले शख्स, ये इनका सबसे बड़ा कॉमन इंटरेस्ट है। और दाऊद जो है अभी उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है, और योनाथन इससे कम अज कम 8-10 साल बड़ा था उम्र में, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक है, बातें एक हैं, लिहाजा उन दोनों की दोस्ती हो गई। और जब उनकी दोस्ती हुई है, वो आपस में बैठे हैं, जाति जूलियत को जीत के अभी आया है, और जाहिर है योनाथन शहजादा था, क्राउन प्रिंस था, वो वहां पे है, तो उसके साथ ऑलमोस्ट इसका हम एज है। जब वो आपस में बैठे, बातचीत शुरू की, तो कलाम में लिखा है कि वो उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार हो गया बातचीत करते करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातें एक दूसरे से बांट रहे थे।
मुझे दी है जब मैं ईमान के साथ यहोवा के नाम पे मैंने कोई काम शुरू किया तो खुदा ने मुझे इतनी इतनी जगह पे फतह बख्शी है। और उधर दाऊद उसको बता रहा होगा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ मैंने आज जाति जूलियत को मारा है, ये तो सबने देखा है, लेकिन शायद जुनतन वहां ना हो जब वो साउल को बता रहा था और उसने बताया उसको फिर से कि जो मैं हूं खुदा ने मुझे ऐसा फसल दिया कि मैंने अपने हाथ से शेर को और रीछ को जो है वो मारा है, बल्कि जान से उसको मारा। और वो इस तरह की बातें जो हैं वो आपस में शेयर कर रहे थे। और जो जुनतन है जब उसने उन बातों को सुना होगा और जब उसने जाति जूलियत को देखा होगा कि किस तरह से उसको इसने मारा और फतह पाई है, तो जुनतन उसको बता रहा होगा, कह रहा होगा कि भाई मैं सोचता था कि मेरा ईमान बड़ा है, लेकिन तेरा ईमान जो है वो मेरे से भी बड़ा है। तू रूहानी तौर पे मुझसे सीनियर है, रूहानी तौर पे तू मुझसे बड़ा है। और ये उनकी दोस्ती का आगाज था। दूसरी बात कि जो दोस्त होते हैं उनके अंदर मुकाबलाबाजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता, वो इस चीज पे गौर नहीं करते कि कोई कितना ऊपर चला गया है या कोई कितना नीचे आ गया है, वो बस अच्छे दोस्त होते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। स्टेटस जो है उनके लिए इसके कोई मानी नहीं होते। स्टेटस जो है उनको किसी भी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। जैसे यहां पे यूनतन और दाऊद की दोस्ती को आप देख रहे हैं। जो यूनतन है, अगर आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने साउल को रद्द कर दिया बादशाह होने के लिए, और बाकायदा सैमुएल साउल के पास आया और उसने साउल को बताया कि खुदा ने तुझे बादशाह होने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। और हो सकता है कि यूनतन ने, साउल के बेटे ने जो क्राउन प्रिंस था, उसने ये बात सुनी हो कि मेरे बाप को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये बनी इसराइल का बादशाह रहे। लेकिन बहरहाल वो क्या कर सकता था, और खुदा ने बताया, सैमुएल ने साउल को, बादशाह को बताया कि खुदा ने एक शख्स को जो तुझसे बेहतर है उसको चुन लिया है ताकि वो इसराइल का बादशाह बने। और जब ये दोनों आपस में मिले हैं, बैठे हैं, यूनतन और दाऊद, तो ना सिर्फ उन्होंने फतुहात का जिक्र किया, अपने ईमान का जिक्र किया, दाऊद ने उसके साथ शेर और रीछ को मारने का जिक्र किया, बल्कि मैं ये सोच रहा था, मेरा ये ईमान है कि दाऊद जब उसकी इन बातों को सुन रहा था और वो एक दूसरे से इतना करीब हो गए थे, वो एक दूसरे पे इतना भरोसा करने लग गए थे, तो दाऊद ने यकीनन यूनतन को बताया होगा कि भाई तू जानता है कि एक दिन सैमुएल हमारे घर आ गया और सैमुएल ने दावत की और सैमुएल ने मेरे भाइयों को बुलाया और मैं तो जंगल में था और मेरे भाई आए और मेरे बाप ने सोचा कि उसका बड़ा बेटा लियाब और फिर अमीदाब और फिर सम्मा और फिर और ये सारे सात बेटे, इनमें से किसी को खुदा चुनेगा, लेकिन उनमें से किसी को नहीं चुना। और फिर उन्होंने मुझे जंगल से बुलाया, मैं भेड़ों के पास था और खुदा ने मुझे बादशाह होने के लिए मसा कर दिया। ये बात यकीनन दाऊद ने यूनतन को बताई कि मुझे बादशाह होने के लिए मसा कर दिया गया है। और जब यही बात साउल को इसका शक पड़ा, अभी साउल को पता नहीं है, बिल्कुल खुदा की तरह से ये सब कुछ होता जा रहा है, तो उसने जाति जूलियत को मार दिया है और बेटियां जो आई हैं, इन बेटियों ने
जो दाऊद था उसके लिए कहा कि उसने लाखों को मारा और सौल के लिए थोड़े रखे कि हजारों को मारा, और खुद ही उसके दिल में आया कि अच्छा तो फिर बादशाह ही रह गई है इसको मिलने वाली बाकी। लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि असल में इसी को खुदा ऑलरेडी बादशाह होने के लिए अनॉइंट कर चुका है। सौल के लिए यह बात जरूरी नहीं थी कि वो इस बात के लायक है या नहीं है, काबिल है या नहीं है कि बादशाह रहे या ना रहे। उसके लिए जरूरी बात यह थी कि वो ही बादशाह रहे, और ना सिर्फ वो बादशाह रहे बल्कि उसका बड़ा बेटा यूनाथन जो है वो उसके बाद जो है उसकी किंगडम को संभाले। उसके लिए यह बात बिल्कुल जरूरी नहीं थी कि खुदा की क्या मर्जी है। सौल के लिए यह जरूरी था कि मेरी क्या मर्जी है, और यही बात खुदा को पसंद नहीं थी कि वो अपने तौर पे सोचता, अपने तौर पे फैसले करता। अगरचे खुदा उसको बता भी देता, सैमुएल जाके उसको कह भी देता कि तूने ये काम ऐसे करना है, वो फिर भी अपने तौर से फैसले करता, वो फिर भी अपने तौर से सोचता, और खुदा जो है इस बात से नाराज था। लेकिन बहरहाल यूनाथन जो है और साउल एक ही चैप्टर में उनका अजीब कंट्रास्ट आपको नजर आता है। बाप दाऊद को मारना चाहता है, बेटा दाऊद को अपनी जान के बराबर प्यार करता है, उससे उसकी ऐसी दोस्ती हो गई है। ना सिर्फ ये कंट्रास्ट आपको नजर आएगा, ऑपोजिट पर्सनैलिटी आपको नजर आएगी बाप और बेटे की, बल्कि अगर आप पिछले चैप्टर्स में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि यूनाथन ऑलरेडी स्पिरिचुअली अपने बाप साउल से ज्यादा बेहतर शख्स था। अगर आप चैप्टर 13 के अंदर पढ़ें, मैं आपको वैसे इंकरेज करूंगा आज अगर घर जाएं तो 13 से लेके जो 18 चैप्टर आज हमने शुरू किया है इसको पढ़ें। 5-6 चैप्टर हैं, आपको हार्डली 25-30 मिनट लग जाएंगे, पढ़े और आराम से पढ़े, तसल्ली से, ज्यादा पौना घंटा लग जाए, रखें कि यह घंटा खुदा के लिए है, उसमें इसको पढ़े, रीड ओवर करें, तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर 13 है उसके अंदर साउल ने जो बादशाह था उसने खुदा को नाराज कर दिया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जंग के लिए दूसरी फौज सामने जो है वो आके लग गई थी, और साउल जो है वो इंतजार कर रहा था सैमुएल नबी का कि वो आए, दुआ करे, कुर्बानी दे और उसके बाद हम जंग के लिए जाए और जंग शुरू करें। लेकिन कलाम में लिखा है किसी वजह से सैमुएल को देर लगी, और जब उसने देखा कि वक्त जो है ऑलमोस्ट गुजर गया है और सैमुएल अभी तक नहीं आया, तो कलाम में लिखा है कि साउल खुद उठा और उसने खुद कुर्बानी जो है उसको वहां पे ज़बह किया और खुद उसने कुर्बानी चढ़ाई। और जब वो ये काम कर रहा था तो सैमुएल भी उसी वक्त आ गया, और सैमुएल जो है उसने उसको नाराज हुआ और उसको कहा ये तूने क्या काम किया है, ये तेरा काम नहीं था कि तू कुर्बानी कर। आज की कलीसिया आती है तो वो कहती पाई साहब पहले बताओ कि आप थे गा लेट क्यों हुए, हमने तो जो किया किया। नहीं, उसने ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं पूछी। ही वॉज वेरी है, उसने कहा कुछ भी है ये काम आपका नहीं है करने के लिए, इसके लिए खुदा ने आपको नहीं बुलाया। याद रखिए जब हमने खुदा के लिए कुछ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस काम के लिए बुलाए गए हैं या आप इस काम के लिए नहीं बुलाए गए। अगर आप उस काम के लिए नहीं बुलाए गए तो आप उसको मत कीजिए। खुदा का काम जो है ये शौकिया फनकारों का काम नहीं है कि शौक से आप ये चीजें करते रहे, नहीं, हमने हमारी अपनी लाइन है हर एक की जो खुदा ने दी है, हमने उसमें रह के काम करना और आगे चलना है। बहरहाल सैमुएल जो है बड़ा नाराज हुआ, उसने साउल को डांटा और
इस सारे सिनेरियो के बाद उसने कहा कि खुदा ने भी तुझे रद्द किया है। चैप्टर पढ़िए, आपको पूरी डिटेल पता लग जाए क्या हुआ है। और उससे पूछा सैमुएल ने कि ये तूने किया क्यों? तो सैमुएल ने जब ये पूछा तो साउल ने कहा कि असल में बात ये है कि तू लेट हो गया था, सब ने दूसरी फौज लगी हुई है, तो मेरे पास जो फौजी हैं वो इतना इंतजार, कुछ दिन इंतजार किया हमने, तो अब वो इधर उधर होने लगे, यानी मेरे सिपाही कम हो गए। वो असल में ये कह रहा था सैमुएल को कि अगर मेरे सिपाही कम रह जाएंगे तो मैं कैसे जंग जीतूंगा। वो ये सोच रहा था कि जंग जीतने के जो इनहसार है या जो बात डिपेंड करती है वो ये है कि मेरे पास कितनी बड़ी फौज है, ये फौज कम नहीं होनी चाहिए। ये सोच थी चैप्टर 13 में साउल की, जो उसने सैमुएल को और खुदा को बताया। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे घर जाके चैप्टर 14, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि यूनतन जो है अब वो भी अपने एक सिपाही के साथ था, और उस एक सिपाही के साथ जब यूनतन था तो यूनतन जो है वो दुआ करने वाला है, यूनतन ईमान रखने वाला है, यूनतन ये जानता है कि लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई खुदावन की है, यूनतन ये जानता है कि जंग हमारी नहीं, जंग यहोवा की है। तो उसने अपने एक सिपाही से कहा कि मैं और तू जाके तो ये जंग शुरू करते हैं। उसने एक निशान रखा, वो निशान वैसे ही हुआ, उसने कहा यह निशान है कि मैं और तू हम दोनों ही मिलकर यह जंग शुरू करते हैं। और कलाम में लिखा हम दोनों ने जंग शुरू कर दी और खुदा ने उनको फतह भी दे, उन दोनों को, दो को फतह दी। साउल जो है इसलिए ज्यादा लोग रखना चाहता है कि फतह पाए, और यूनतन जो है वो दो ही लोगों के साथ मिलकर फतह पा गया, जो है वो ये बता रहा है कि जंग इंसानों की नहीं है, खुदा के काम में जंग लोग नहीं करते, जंग यहोवा करता है, जंग खुदा करता है, जंग खुदावन की है। अगर जंग खुदावन की है तो फतह भी खुदा देगा। इसका ताल्लुक लोगों के साथ नहीं है कि कितने लोग हैं। जब हम खुदा का काम करते हैं तो हमने खुदा के लिए करना है। कलीसिया में अगर 10 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे हो, 2 लोग बैठे हो या 100 लोग बैठे हो, मैं एक सी तैयारी करके आता, अपने कपड़ों की भी और अपनी रूहानी हालत की भी और कलाम की भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं। जंग खुदावन की है, काम खुदा का है। मैं जब बच्चों को बताता हूं जो दूसरी कमेटी चलाते हैं, मैंने कहा तो आपकी जिंदगी में रूटीन होनी चाहिए, आप उसे पैटर्न को बनाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता एक आया है, 2 आया है या 10 है, हमने खुदा का काम करना है। सो ये फर्क था साउल में और यूनतन में। ये कंट्रास्ट शुरू ही से इन दोनों के अंदर आप इसको बड़ी वाज़ह तौर पे क्लैरिटी के साथ जो है वो आप इसको देख सकते हैं। और यहां पे पहली 3 वर्सी जो हमने पढ़ी हैं, इनमें लिखा है कि क्या हो गया, यूनतन का दिल ऐसा मिल गया। और 2 दफा लिखा है कि यूनतन दाऊद को अपनी जान की तरह प्यार करने लगा। आपने बड़ी रूटीन में बहुत दफा यह सुना होगा कि मियां बीवी एक दूसरे को जान कह के पुकारते हैं हमारे देसी कल्चर में, जब वो ये बताना चाहते हैं कि आप मेरी जिंदगी का, मेरी जान का हिस्सा हैं। और इसी वजह से, इन अल्फाज की वजह से, और 2 और जगह हैं उनको भी हम इसी स्टडी में देखेंगे और उन पर गौर करेंगे। जब अबलीस ने काम शुरू किया तो चर्च के अंदर ऐसे लोग उठे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये असल में जिंसी मोहब्बत की बात की जा रही है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये हवाला लड़के और लड़के की जिंसी मोहब्बत का पहला हवाला है बाइबल मुकद्दस में, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अहबार 19 बाब के अगर 18 आयत पढ़ें
तो आपको पता चलेगा खुदा ने यह हुक्म दिया था कि मैंने अपने पड़ोसी अपने करीबी शख्स से अपनी मानी प्यार कर। खुदा यीशु मसीह को जब पूछा गया तो खुदा ने क्या कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी ताकत अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और इसकी माने तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद अपनी जान की मानद उससे प्यार कर। ये पुराने अहदनामे का भी हुक्म है, ये नए अहदनामे का भी हुक्म है। दूसरी बात, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 44 और वर्स 30 को पढ़ें तो ये टर्मिनोलॉजी जो यहां पे यूज की गई है जिसको इस तरह से लोग समझना शुरू किया है खास तौर पे फर्स्ट वर्ड के अंदर, यही टर्मिनोलॉजी याकूब इब्राहिम इसहाक और उसका बेटा याकूब, याकूब और उसके सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन के लिए यही टर्मिनोलॉजी वहां पे लिखी गई है। तो क्या लोग ये समझें कि उन दोनों के आपस में हम जिंसी ताल्लुकात थे? जी नहीं, ये प्योरली लव की बात है जो उसको स्ट्रॉन्गली दिखाने के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल, इसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप रूथ की किताब में पढ़ते हैं। रूथ अपनी बहू के साथ जो उसका प्यार है रूथ के साथ, नियोमी उसकी सास थी, नियोमी का और रूथ का जो प्यार है वो इसी टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब किया गया है कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकती हूं, मेरी जान की तरह तेरी जान है। तो इसका मतलब उन दोनों का आपस में इस तरह का रिलेशन था? एब्सोल्युटली नॉट, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। ये इब्लीस की चाल है जो उसने चर्च के अंदर शुरू की है और जो लोग ऑलरेडी इस तरह के गुनाह में थे उन्होंने इसको हवा दी है और इसको जो है वो इसको आगे लेके चले गए हैं। बाइबल मुकद्दस में ऐसी जगहें हैं जहां पे इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से बताया गया है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी उनके प्यार के लिए इस्तेमाल की जाए और वो चीजें बिल्कुल भी हम जिंस प्रस्ती के लिए नहीं है। ये भी उनमें से एक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि वो बहुत ही गहरे दोस्त हो गए। अगर आप और मैं इंडिया और पाकिस्तान से हैं जब, तो हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हम अपने एशियन कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। एशियन कल्चर में मैं जाती तौर पे ऐसे वक्त से गुजरा हूं जब मैंने अपने दोस्तों को लड़कों को कहा है कि मैं तुम्हें अपनी जान की तरह प्यार करता हूं। ऐसे दोस्त मेरे हुए हैं जिनको मैंने ये कहा है मैं तुम्हें औरत के प्यार से ज्यादा प्यार करता हूं। मतलब क्या, इट्स ए पोएटिक थिंग। जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने किसी दोस्त को कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसका दूसरा मतलब बिल्कुल नहीं है। आप जाती तौर पे भी शायद इस तरह की टर्मिनोलॉजी से गुजरे हैं। हमें याद है हम बास का जिस दोस्त से बहुत प्यार हो जाता हम उसके साथ चीजें एक्सचेंज करते, अपनी कोई ना कोई चीज उससे देते, उसकी कोई ना कोई चीज खुद रख लेते, फिर एक प्रिक लगा के ब्लड आ जाता, फिर हाथ मिलाते, तरह तरह से उसको जो है हम जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर लेते। मतलब कि मैं तुझे अपने खून की तरह ब्लड की तरह जान की तरह प्यार करता। लेकिन इस दुनिया में जिसमें हम आ गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड जो है यहां पर इस चीज को इतना ज्यादा पॉइजन कर दिया गया है कि उन्हें इस तरह के प्यार के अल्फाज में जनरल लव नजर ही नहीं आता। लेकिन हम इस चीज को, और ये जो कल्चर है बाइबल का ये एशियन कल्चर है, ये यूरोपियन कल्चर नहीं है। और यहां पे जो बात अगली पैगाम में मैं आपको बताऊंगा जो चीजें उसने उतार के दी अपनी कबा अपनी पोशाक
अपनी तलवार कमान अपना कमरबंद क्यों उतारा, सारे कपड़े उतार दिए कि थोड़े उतारे? ये भी क्वेश्चन है इसी जिमन में जो लोग इसको क्वेश्चन करते हैं, इसको हम कवर करेंगे कि क्या चीज़ें उतारी, क्या चीज़ें रह गई, अगर उतारी तो क्यों उतारी, उनके बाइबल में मानी और मतलब क्या है। आइए अपनी आँखों को बांधें।